सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हाय, आई एम डिंपल चौधरी। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी बट आई स्टे इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 ईयर्स। आई एम अ फ्रीलांस फोटोग्राफर एंड राइटर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मेरी पहचान किसी एक परिभाषा में सिमट के नहीं रह सकते। तो फोटोग्राफी में ऑस्ट्रेलिया, एम्स्टर्डम, दुबई और न्यू दिल्ली में एग्जीबिशंस कई बार लग चुकी हैं। एज अ राइटर कई पोइट्री एंड आर्टिकल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो चुके हैं। स्टिल इट्स गोइंग ऑन। वेदर यू आर अ बाइकर और अ ट्रेवलर और अ व्लॉगर, आप अपने पैशन को हर कहीं हर किसी जगह से छूते हुए जाते हैं। आई एम राइडिंग अ बाइक फॉर लास्ट 6 ईयर्स। रोड पे मैं देखती थी कि लड़कियाँ राइड कर रही हैं, लड़कियाँ बाइक चला रही हैं। उनको देख के लगता था कि इफ दे कैन राइड, इफ शी कैन राइड, देन व्हाई कांट आई। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ बाइक बट डिडंट नो हाउ आई कैन मेक इट पॉसिबल। बट वैन इट एक्चुअली हैपेंड, सो आई चूज टू बाई अ मोटरसाइकिल। पहली बाइक ली यू एम कमांडो रेनेगेड। उस बाइक से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। कोई भी पैशन, कोई भी आपकी चॉइस या कोई भी आपकी मन मर्जी जो आपको लोगों से कनेक्ट करती है, वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है आपकी ज़िंदगी में। शहरों से, लोगों से, सभ्यताओं से, अलग अलग कल्चर से, तब आपको ये पता चलता है कि आप ज़िंदगी के जिस मुकाम पर हो या आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उससे भी बहुत आगे दुनिया है, लोग हैं, सोच है, परिभाषाएं हैं, जो आपको एक्चुअल में मीनिंग बताती है कि ज़िंदगी में इंसानों के होने का मतलब क्या है। अगर मैं अपनी बाइकिंग लाइफ की बात करूं तो वो चाहे एक ब्रेकफास्ट राइड से लेके बांग्लादेश की राइड तक हो, अपनी बाइक स्टैंड पे लगाई और जहां चाहे पूरी कायनात आपके साथ होती है जब आप बाइक पे होते हैं। एक मशीन कभी तय नहीं करती कि मुझ पे बैठने वाला इंसान एक लड़की है या लड़का है। सोसाइटी या फिर कोई और कैसे तय कर सकता है। हमें और लोगों से बात करनी है, उन्हें जानना है और सोसाइटी तक वो बात पहुंचानी है, चाहे वो उनकी तकलीफ़ें हों, चाहे वो उनकी बातें हों, चाहे वो उनकी कोई ऐसी सोच हो जो शायद अभी हम तक नहीं पहुंची है। तो बाइकर की तरह अगर मैं अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करूं तो मेरी लाइफ ऐसी है जहां मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का एक नया मकसद बताया, जहां शायद अभी तक मैं थी ही नहीं। वो थ्रॉटल जब महसूस होता है तो आप दुनिया की एक ऐसी जगह से बिल्कुल कट जाते हैं जो आपको बांध कर रखती है, जो आपको ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि जब तक आपको कोई कैद से बाहर नहीं निकाले तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैद में थे। तो फील द डिफरेंस। बाइकिंग इज नॉट लाइफ बट बाइकिंग इज सच अ थिंग हु मोटिवेट्स यू। आई वॉज राइडिंग टू बांग्लादेश एज एन इंडियन एम्बेसडर, जो कि बैटन हमें वहाँ पहुँचानी थी। आई मेट देयर विद द वुमेन हु राइड बाइक्स, हु राइड स्कूटी, हिजाब पहन के भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। हर किसी वुमेन की लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग थी बट स्टिल दे डिसाइडेड टू राइड अ बाइक इन अ मुस्लिम कंट्री। बांग्लादेश जाना एज एन एम्बेसडर, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वापस आते वक्त मैं और मेरी एक दोस्त राइट साइड में एक बिल्डिंग देखी जो कि पूरे रेनबो कलर से रंगी हुई थी। तो हम लोग कम से कम 20 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न लेके वापस आए और जब हम उस बिल्डिंग में जाते हैं, ग्रीन ग्रास का ग्राउंड था और उसमें सिर्फ एक रेनबो बिल्डिंग। कि अलग अलग देश, अलग अलग शहर और अलग अलग लोग, जहाँ पे कोई एक विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता, सारी विचारधाराएं हमारे लिए समान है, सारे रंग हमारे लिए समान है। उसके जवाब ने मुझे वाकई में सोचने का अलग नजरिया दिया। वेयर योर ऑल द गियर्स एंड हेलमेट, दैट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो आपकी जिंदगी को भी आसान बना देगा और आपकी किसी भी राइड को खतरों से बचाएगा। मेरी कोई ड्रीम बाइक नहीं है क्योंकि अपने राइडिंग करियर में इतनी बाइक्स चलाई हैं। वेन यू आर अ राइडर, वेन यू आर अ बाइकर एंड यू नो हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, मुझे लगता है कि सारी बाइक्स जो आपने चलाई हैं वो सारी आपकी ड्रीम बाइक हैं। बिकॉज यू आर कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। हिमालयन इज माय एवर फेवरेट बाइक। XBHP इज द प्लेटफॉर्म हु प्रिफर बाइकर मोर देन द बाइक एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी XBHP की राइड होती है या जब भी XBHP का नाम आता है तो जहन में आता है हज़ारों लोग जो अपने यकीन से, अपने भरोसे से एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और वो सपोर्ट करते हैं। आई द बाइकर, वी द पावर, एंड दिस इज़ रियली अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया।
मैं दो बार अपना पैर तोड़वा चुकी हूँ, उसके बाद भी आई राइड विद फुल कॉन्फिडेंस। जब दो बार मैंने अपना पैर तोड़वाया था, एक बार हाईवे पर था और एक बार मैं ऑफ रोड की ट्रेनिंग कर रही थी और दो महीने बाद ही मेरा कॉम्पिटिशन था, बट मेरा पैर टूट गया, दो फ्रैक्चर आए, दो महीने के लिए मैं आई वॉज ऑन बेड रेस्ट। डरना मत, क्योंकि डरना सोल्यूशन नहीं है। आखिर रिस्क कहाँ नहीं होता, इंसिडेंट कहाँ नहीं होते। गिर जाते हैं तो यकीन मानिए आप संभल जाएंगे।